students i am going to start with the topic endocrine gland and please watch my video from starting till end because i am going to show each and every gland and according to it i am going to discuss all the function of the gland and uh, structure our body function are controlled by two body system first नर्वस सिस्टम और सेकेंड हारमोन्स स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के फंक्शन को अलग अलग बॉडी के फंक्शन को या तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और या तो हार्मोन्स कंट्रोल करता है हार्मोन्स डू नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली दे वर्क टुगेदर विथ अदर हार्मोन्स And also with the nervous system. Secretions are poured directly into the blood and it regulate the physiological processes by chemical means. Bayliss and Starling, two British scientists, gave the term hormone in 1902. Hormones basically chemical substances. जो कि सिक्रीट होते हैं हमारी ग्लैंड से और ये नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ये कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड होते हैं फर्स्ट एग्जुक्राइन ग्लैंड सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड एग्जोक्राइन ग्लैंड ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो जिनके पास डक्ट्स होते हैं और ये डग के थ्रू सिक्रीशन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्वेट हो गया ऑयल हो गया हमारे ऑयल ग्लैंड हो गए सिलेवी ग्लैंड लिवर जूस एंडोक्राइन ग्लैंड ये वो ग्लैंड हैं जिनके पास डक्स नहीं होते हैं सो so, इनका जो सिक्रीशन होता है वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में होता है सो दी सिक्रीट हारमोन्स जनरली इन ब्लड Now, I am going to show you different kinds of glands. First one is a pituitary gland, second, hypothalamus gland, third, thyroid gland, fourth, parathyroid gland, fifth, adrenal gland, sixth, pancreas, seventh, ovaries and testes these are related with the gonads now i'm going to discuss each of the gland's function and structure now let us see adrenal gland it is found above the kidney thus they are also called as suprarenal gland they are paired gland having two part एडोनल कोटेक्स एंड इनर डार्क दैट इज एडोनल मेडुला फर्स्ट वन इजोन लेनाटा मिडल लेयर जोन ग्लोमलेसा आउटर लेयर एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाए जाते हैं इनकी पोजिशन होती है किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये और ये एड्रलिन और स्ट्यूरोड हार्मोन जैसे कि एल्डोस्टुर और कॉर्टिजोल को सिक्रीट करते हैं सो एडिनल ब्लैंड में दो रीजन भी होते फर्स्ट वन जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन होता है वो बाहर होता है एंड इनर रीजन इज कॉल्ड एज इनर मेड्यूला राइट सो दिस कोटेस दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है पहला है जोना रेटिकुलरिस, दैट इज वो सबसे अंदर होता है मिडल में आता है जोना फेसिकुलेटर एंड बाहर की साइड पे होता है जोना ग्लोमरोसा। एड्रिनल कोटेक्स बेसिकली प्रोड्यूस करता है स्टीरोड हार्मोन्स को मिनरलोकोटिकोइ्स को ग्लूकोकॉर्टिकोइ्स को और एंड्रोजेंस को एड्रिनल मेड्रुला सिक्रीट्स एड्रीन दिस हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी टू मीट एमरजेंसी Its function is to increase heartbeat, to increase blood supply to muscles, and more glucose is released into the blood. Adrenal medulla basically uh, secretes karta hai adrenaline hormone. Just epinephrine uh, hormone or noradrenaline hormone secrete karta hai. एडलिन बेसिकली हमारा हार्मोन ये हार्मोन हमको इमरजेंसी में हेल्प करता है जब हमें कोई चैलेंज फेस करना होता है तो उस टाइम हमको एड हार्मोन ही हेल्प करता है तो इसका बेसिक फंक्शन है ड्यूरिंग द एमरजेंसी ये हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है एंड सेकेंड वन इज दैट इट इनक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल्स वाइल्ड इट डिक्रीज इट टू स्किन एंड वेस्रल ऑर्गन तो इमरजेंसी में ये हारमोन हमें चाहिए होता है तो उस टाइम पर हमें मस्कुलर कोई अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये उस टाइम पर हमको ब्लड सप्लाई करता है हमारे मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे मोर ग्लूकोज इज़ रिलीज इन टू ब्लड मोर ग्लूकोज रिलीज इन टू द ब्लड का मतलब है कि इमरजेंसी uh, में हमें ब्लड हमारा ब्लड इंक्रीज हो गया ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से हमें एनर्जी चाहिए तो इसलिए हमें मोर ग्लूकोज मिल रहा है ये ग्लूकोज और ग्लूकोज uh, हमें प्रोवाइड हो रहा है इस हारमोन की वजह से एडिनल कॉटिक सिक्री टू हारमोन बट स्पेशली कॉटिस इज द वन कॉटिकल हार्मोन्स और टू काइंड मिनरलो कॉटिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉटिकोइ्स एडलका्टिक्स वैसे तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है बट कॉटिजोन हार्मोन इसका स्पेशल हार्मोन है और स्पेशली इसको सिक्रीट करता है तो इसके दो कैटेगरी हैं कॉर्टिकल हार्मोन की पहली तो मिनरलो कॉटिकोइ्स है और दूसरी है ग्लूको कॉटिकॉइड्स तो so, मिनरेलोकॉटिकोइड्स का काम होता है मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म करना और उसके फंक्शन को रेगुलेट करना जैसे कि सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया तो ये आयंस बेसिकली हमारे मस्कुलर एक्शन को कंट्रोल करते हैं तो ये चीज़ दिस एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर मूवमेंट इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय द मिनरलो नाओ नाउ कोटिकोइड्स तो ग्लूकोकोटिकोइड्स जैसा कि नाम बता रहे ग्लूको ग्लूको मीन्स कार्बोहाइड्रेट है, है जिससे कि हमें ग्लूकोस मिलता है प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड इज बाइलोब बटरफ्लाई शेप ग्लैंड स्ट्रक्चर इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ नेक below the larynx the two lobes are joined by isthmus it secretes two hormone thyroxine and calcitonin secretion of thyroxine hormone is regulated by pituitary and hypothalamus gland so students thyroid gland ka structure bilobed hai to lobes ko connect karne ke beach mein connection hai that is uh, isthmus इसकी लोकेशन हमारे नेक में होती है जस्ट बिलो द लैरिंग्स तो सो थायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करता है दो तरह के हार्मोन सिक्रिएट करता है थायरोक्सिन एंड कैलसीटोन सो थायरोक्सिन हार्मोन को रेग बेसिकली रेगुलेट ये रेगुलेट होता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलमस के थ्रू स्टूडेंट्स थायरॉक्सिन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट हार्मोन विच इज़ सिक्रिएटेड बाय द थायराइड ग्लैंड तो इस थायरॉक्सिन का काम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना जो कि हमारे बॉडीज़ के टिश्यूज़ में होता है ये फंक्शन जैसे कि हमारे एपेटाइट में फूड एब्जॉर्ब होता है और वो फूड एब्ज़ॉर्ब न्यूट्रिय के फॉर्म में होता है हमारे टिशूज़ में तो ये फंक्शन जो है इसका इफेक्ट हाइरोक्सिन से होता है सो इफ इंक्रीज़ इन द सिक्रीशन इज देर जब ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म में इफ़ेक्ट करता है और अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है डिक्रीज हो जाती है तो हमारे बॉडी के ग्रोथ में असर डालता है इफ़ेक्ट डालता है जिससे कि बोन्स भी वीक होती हैं बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होता है और मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है सो वी विल बी गोइंग थ्रू द अंडर सिक्रीशन एंड ओवर सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन नाउ नाउ द इम सफिशियंट सिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन इट मे लीड टू सम कंडीशन फर्स्ट वन इज अ हाइपोथाइरोडिज्म दैट इज अंडर सिक्रीशन

आयोडीन इनसफिशिएंट होता है उसकी क्वांटिटी प्रॉपर नहीं होती है तो उसकी वजह से आयोडीन कम होने की वजह से आ, ये थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाते हैं अप हो जाते हैं तो बेसिकली ये कंडीशन कॉमन होती है हिली रीजन में जहाँ पे आयोडीन सोयल में नहीं पाया जाता है तो इसकी वजह से आयोडीन फूड में नहीं मिक्सअप हो पाता है तो थायरॉइड डिफिशियंसी कॉमन हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट में भी है ज़रूरी नहीं है ये हिली रीजन में ही पाया जाता है नेक्स्ट कंडीशन इज ऑफ क्रेटिनिज्म क्रेटेनिज्म लीड्स टू डो एंड मेंटल रिटार्डेशन सो दिस थिंग इज बेसिकली फाउंड इन द चिल्ड्रन नेक्स्ट वन इज द मिक्सो नेक्स्ट कंडीशन सो दिस इफेक्ट्स इन द एन एडल्ट पर्सन बेसिकली and due to this what happened uh, there is a uh, swelling in the face hand and person become sluggish sluggish means the uh, activity of the person is very slow मिक्सोडेमा ye do condition hai क्रेटनिज्म basically ये children की growth पे effect डालता है जिसकी वजह से बच्चे की growth नहीं होती है डूबा होता है और उसकी mental growth भी नहीं होती है जिसकी वजह से वो mentally रिटार्ड होता है सो नेक्स्ट कंडीशन इज़ द मिक्सोडेमा। सो मिक्सोडेमा में ये बेसिकली एडल्ट में पाया जाता है सो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है जिसकी वजह से फेस में स्वेलिंग हो जाता है हैंड में और पर्सन uh, लेज़ी हो जाता है बहुत स्लो वर्क करता है न स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉयड हारमोन

सो ओवर सिक्रेशन कंडीशन बनाता है हाइपोथायरॉयडिज्म को जिसमें कि थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है सो so, जब हार्मोन हमारी दिस थायरॉक्सिन हार्मोन जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो इसकी वजह से भी ग्वाइटर होता है लेकिन वो ग्वाइटर को हम बोलते हैं एग्जोपथेलमिक ग्वाइटर सो एग्जो का मतलब क्या होता है आउटवर्ड अपथलमस मीन्स आई So, इस कंडीशन में बेसिकली आइज़ जो होती है पेशेंट की वो बाहर सी लगती है और जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी बॉडी में बढ़ जाता है जिससे वेट गेन होता है पेशेंट को ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम होती है और लेजीनेस और टायर्डनेस फील होता है पिट्रिटी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पी शेप का होता है इसका वेट 1.5 ग्राम का होता है और ये हमारे ब्रेन के बेस में पाई जाती है ये बेसिकली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का लिंक फॉर्म करती है और ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इसीलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ थ्री लोब्स एंटीरियर लोब इंटरमीडिएट लोब एंड सी पोस्टीरियर लोब

और ग्रोथ हार्मोन का काम होता है स्टिमुलेट करना हमारी बॉडी के ग्रोथ uh, को स्टिमुलेट करना और इसके सेल के मेटाबॉलिज्म को भी ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनोकॉट्रिकोट्रॉपिक हार्मोन दैट इज ए सी टी एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफ एस एच हारमोन एल एच एंड लास्ट वन प्रोलेक्टिन एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हारमोन ये हमारे ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉटिक्स को ताकि ये सिक्रीट करे ग्लूकोक्टिकोइड एंड मिनरलिकोटिक्वाइड हारमोनस को सो ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हारमोन लीड्स टू अ डिजीज दैट इज़ नोन एज जैजेंटिजम एंड deficiency of the growth hormone leads to a disease that is a dwarfism hormone is a thyroid stimulating hormone basically this activate thyroid to secrete the thyroxine hormone so hyposecretion basically causes thyroid atrophy now next hormone which i am going to talk about is Adrenocorticotropic hormone. Now, this hormone basically it regulates the activity of adrenal cortex. So it secretes two hormones, glucocorticoids and mineralocorticoids. Next hormone is a follicle stimulating hormone, it is also called as FSH. Now, follicles, as you know, it is related with the graphene follicles in female. And in male, it controls sperm formation. It regulates the activity of testes and ovaries. Now, next one is a luteinizing hormone, and that is also called as interstitial cell stimulating hormone. So, in short form, LH is basically found in female, stim which is stimulate ovulation ovulation means formation of the eggs and formation of the corpus luteum and its hormone so in male it is called as interstitial cell it is found in the male and so it is called as interstitial cell so stimulating hormone which is responsible for the secretion of testosterone hormone so follicle stimulating hormone luteinizing hormone and instil, uh, interstitial cell stimulating hormone these all are called as gonadotrophins they come under the heading that is gonadotrophins intermediate lobe it secretes a hormone called melanocyte stimulating hormone which is stimulate formation of the black pigment melanin in the skin थर्ड लोब पोस्टीरियर लोब इट सिक्रीट टू हार्मोन बेसिकली फर्स्ट वैसोप्रोसन एंड वेसोप्रेसन इज कॉल्ड एज एंटी डायरुटिक हारमोन सेकेंड वन इज अ ऑक्सीटोसन दीज आर द टू हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ये पोस्टीरियर लोब बेसिकली दो तरह के हार्मोन्स बनाता है फर्स्ट वन इज अ वेसोप्रेसन उसको हम एंटी डायरेटिक हारमोन भी बोलते हैं और सेकेंड इज़ द ऑक्सीटोसिन सो एंटी हार्मोन हारमोन बेसिकली क्या करता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को राइज करता है इंक्रीज करता है बिकॉज ब्लड वेसल्स आर कंस्ट्रिक्टेड छोटे हो जाती हैं ब्लड वेसल्स जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वैसे ही इस uh, इसका एक डेफिशेंसी भी होता है अगर ए डी एच हारमोन की डिफिशियंसी है तो पर्सन विल बी बेसिकली सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिड पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस यूरिनेट फ्रीक्वेंटली एंड जो लोग इसको सफर करते हैं उनको यूरिनेशन होता है बहुत जल्दी जिसकी वजह से बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है एंड पर्सन बिकम थर्स्टी सेकेंड हारमोन इज द ऑक्सीटोसिन दिस हारमोन बेसिकली हेल्प इन द कन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रेस डूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड इस हारमोन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कॉन्ट्रेक्शन करना यूट्रस का जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ होता है सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑक्सीडोसन इज दैट इट ऑल्सो स्टमुलेट मिल्क इजेक्शन इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ऑल्सो वी है Thyroid gland and pituitary gland. Now we'll continue in the next uh, part of this video, that is with the pancreas. So if you like my channel, so please subscribe it and press the bell icon to get new video updates. Thank you.